अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इफ स्टेटमेंट जो है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और इसके अलावा हम ऑपरेटर्स देखेंगे, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनिंग ऑपरेटर्स। अच्छा, इफ स्टेटमेंट्स क्या हैं? जब आपके पास कोई भी डाटा होता है उसके ऊपर आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। इफ स्टेटमेंट्स में यहाँ पर जो भी कमेंट्स में लिखता हूँ आपको पता ही है, वो कोड नहीं होता है। ओके, सबसे पहले हम लेट्स सपोज इनिशियलाइज करते हैं एक वैल्यू इंट ए। अब हमारे पास एक इंटीजर एक वैल्यू आ गई है, इसके ऊपर हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि करते कैसे हैं। पहले आपने ये कर लिया है, जैसे एक्सेल के अंदर मैंने आपको करवाया था, लेकिन अभी हम इसके अंदर भी इसको देखेंगे, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिंपल, पहले हम इफ़ लिखेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी और इसके अंदर इसका रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट क्या हो। जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर हमने कंडीशन पुट करनी है। कंडीशन क्या हम उस हो सकती है, लाइक हमारे पास ए है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल हो तो ये प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर कुछ भी जो लिखेंगे, लाइक हाँ हाँ लिख देते हैं लेट्स सपोज, तो ये प्रिंट होगा। अदरवाइज एल्स के अंदर हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने कंडीशन नहीं लिखी है कि हमारे पास क्या हो कंडीशन में, लेट्स सपोज हम 30 लिख देते हैं। एक सेकेंड, अब हमारी ये कंडीशन कंप्लीट हुई है कि हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन इक्वल 30 है तो ये प्रिंट हो, अदरवाइज क्या प्रिंट हो। कुछ भी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसकी आउटपुट देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी आउटपुट से ही कि कैसे आता है इसका आंसर। यहाँ तक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है ए, उसके ऊपर हमारे पास क्या प्रिंट आया है। हाँ, अब समझना बात को, लिखा हुआ है कि अगर एज 30 के इक्वल या उससे ग्रेटर है तो क्या प्रिंट हो। हाँ, हमारे पास क्या थी 50, क्या प्रिंट हुआ है। हाँ, जो इसमें कंडीशन में था। अब यहाँ पर अगर हम लेट्स सपोज हम अपनी वैल्यू यहाँ पर चेंज करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर 20 टाइप करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ना। ठीक है, अब इस कंडीशन को दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। इफ के अंदर सिंपल लिखा हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर जो नेम होगा ना वेरिएबल का, वो हमने यहाँ लिखना है, उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 30 हमारे पास यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो उसके हिसाब से उसको प्रिंट करेगा। अगर आपके पास कंडीशन ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंडीशन ज़्यादा हैं, तो हम इसके ऊपर एक और कंडीशन लगाएंगे, वो है एल्स इफ। फिर हम एल्स को डाउन कर देंगे और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एल्स इफ, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई सेकंड कंडीशन है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो क्या प्रिंट हो, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा। हमारे पास एज इज 25 प्रिंट हो जाए। अभी हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं कि जिस ये चेक करने के लिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अगर हम इसको, हमारे पास कंडीशन है 30 के इक्वल या फिर ग्रेटर, यहाँ पर भी हमने 30 लिया हुआ है तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज अभी
20 कर देते हैं, या फिर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 30 ऑलरेडी हमने मान लिखा लिखा हुआ है, तो हम इसको 25 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी इस वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एज इज 25। अब उसने पहले इसको चेक किया, फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन थी कि 30 के इक्वल या उससे ग्रेटर देन हो। जब उसने इसको चेक किया, इसके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास 25 है और वो 30 कह रहा है। फिर तो उसने सेकंड कंडीशन चेक किया, वहाँ पर एज इज 25 था और उसने ग्रेटर देन इक्वल ए के था, तो उसने प्रिंट एज इज 25 कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर हम चेंज करके देखते हैं अपने इस ए की वैल्यू को, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट्स आ रही हैं। अभी लेट्स सपोज हम इसको 26 करते हैं, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, हमारे पास आएगी एज इज 25। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू बड़ी है, और इक्वल भी इक्वल होती तो भी 25 आती, 25 के इक्वल होती तो भी एज इज 25 आता, या उससे बड़ी होगी, 25 से बड़ी होगी तो भी 25 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही है। ठीक है, अगर हमारे पास 30 या उससे ग्रेटर देन आती है तो फिर क्या आएगा, हाँ हाँ प्रिंट आएगा। हम वो भी ट्राई करते हैं दोबारा एक दफ़ा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 36 लिखता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, हाँ हाँ हमारे पास ये कंडीशन ये कह रही है कि अगर 30 हो या उससे बड़ा नंबर हो तो हमारे पास क्या प्रिंट आए, हाँ हाँ अगर हम 25 से डाउन चले जाते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर 25 से डाउन जाते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ना हाँ ये लिखा हुआ है एल्स के अंदर जो हमने लिखा था। इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा कंडीशन हो तो आप उनको एल्स इफ की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना मुझे। वैसे अगर इसके अलावा हम अभी ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं, दो तरह के हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स और एक है असाइनिंग ऑपरेटर्स। अभी आप ना यही माइंड में रखना कि जो असाइनिंग ऑपरेटर्स है ना, उसके अंदर हमारे पास इक्वल आ रहा है, जो हम वैल्यू असाइन करें वो असाइनिंग ऑपरेटर ही है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। लाइक अगर हमने इक्वल का साइन यूज़ करना है यहाँ कहीं पे, तो हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। इसके ऊपर भी हम अभी कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स की, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज एज इज इक्वल टू 18, इसके ऊपर हम अभी कोई भी कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स के अंदर। लाइक इफ एज इक्वल हो 18 के, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट 18 फिगर अगर आएगा तो ये वाली आउटपुट आनी चाहिए जो हम यहां पर लिखेंगे, प्रिंट एज इज 18। अदरवाइज हमारे पास एल्स में क्या आना चाहिए, हम वहां पर भी कोई कंडीशन लगा देते हैं। यहां पर हम कुछ और प्रिंट कर देते हैं, लाइक प्रिंट चाइल्ड। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमारे पास एज एग्जैक्ट 18 है तो हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज एल्स में हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाए। अगर यहाँ पर 18 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लाइक 17 लिखते हैं, तो भी यहाँ पर चाइल्ड आएगा। इस हमारे जो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, डबल हमने यहाँ पर इक्वल का साइन डाला है, ये इक्वल के यूज हो रहा है बराबर, लाइक ये इक्वल है, और जो ये इक्वल है इसको हम असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सिंगल लगाएंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये एक असाइनिंग ऑपरेटर है, अगर आप सिंगल ही यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा बूलिंग को भी टच देते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बूल वैल्यू एक इनिशियलाइज कराता हूँ, बूल इज अडल्ट इक्वल टू फॉल्स। अब हमें ये ना डेड कोड देगा नीचे वाला, ये देखो ये डेड कोड देगा, वो कह रहा है कि ये डार्ट लैंग्वेज को ऑलरेडी, डार्ट लैंग्वेज हमारी बहुत स्मार्ट है, वो ये चीज़ समझती है, कह रहा है कि वैल्यू जो फॉल्स है तो हम इसको लिख ही क्यों रहे हैं, लाइक हम आपको पता है ये फॉल्स है तो आपको लिख रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने मेन फंक्शन के बाहर लिख देंगे।
तो अभी ये यहाँ से इसको फेच करेगा जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। देखिए अब उसने उसको डाट नहीं किया है, डेट कोड। अब हम यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, अगर आप इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो आप इसको मेन फंक्शन के अंदर ही अपडेट करेंगे। अब हम इसको यूज़ क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं अपनी कंडीशन को बढ़ा रहा हूँ। अब गौर करना ज़रा, यहाँ पर कंडीशन के अंदर मैं अगर यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर के साइन है, इसका मतलब ये है कि दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, और वो दोनों ट्रू होंगी तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। अब मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस एडल्ट इक्वल इक्वल फॉल्स। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों कंडीशन, ये दो कंडीशन हमने लिखी है बेसिकली, ये एक हमारे पास जो ऑपरेटर यूज हो रहा है इसका मतलब ये है एंड ऑपरेटर, कि दोनों कंडीशंस ठीक होंगी तो ही ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर इस अडल्ट इक्वल इक्वल फॉल्स लिखा है, अगर हम इसकी जगह पर सिर्फ इसको रिमूव कर दें और यहाँ पर हमारे पास ये नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दें, ये साइन यूज़ कर दें, तो इसका भी मतलब सेम है कि हमारे पास इस अडल्ट जो है वो नॉट मीन ट्रू नहीं है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ठीक होती है तो हमारे पास आउटपुट ये है, अभी चाइल्ड डाला क्योंकि हमने 17 लिखा हुआ है, इसको हम 18 लिख के ट्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हमारे पास आउटपुट आई है एजिस 18, ठीक है, इसका मतलब है ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है और ये भी ट्रू है, जिस वजह से उसने इसका आउटपुट जो है वो एजिस 18 दिया है, ठीक है। अब इस कंडीशन की समझ आ गई, उम्मीद है, अगर नहीं है तो फिर मुझसे पूछ लेना दोबारा कमेंट में। ये एंड ऑपरेटर था, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का साइन है, और अब ये एंड ऑपरेटर में ये कंडीशन है कि दोनों कंडीशंस ठीक होंगी तो उस सूरत में ये आपका ये आउटपुट प्रिंट करेगा। अगर हमने अब इसकी वैल्यू को अपडेट किया है, इसको अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, पहले हमने बाहर लिखी है, अब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, इज अडल्ट, इसका नेम ही लिखेंगे लाइक जो हमारे पास है, इक्वल कर देंगे उसको ट्रू के, इसको ट्रू के इक्वल करेंगे, ये वैल्यू इसकी अपडेट हो गई है, ठीक है। अब क्या करेगा वो, अब उसका नॉट लगा हुआ है, ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि ये ट्रू नहीं हो तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स। तो अब हमारे पास क्या आउटपुट आया, चाइल्ड। इस बात को दोबारा समझो, अब मैं पहले वैल्यू हमारे पास फॉल्स थी तो कंडीशन ट्रू थी, अब हमने उसको अपडेट करके ट्रू कर दिया है, तो अब हमारे पास उसकी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई है, इज अडल्ट मीन था ये फॉल्स है, इज अडल्ट मीन, आपको पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बताया था कि ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा, जो वैल्यू आपकी है उसको नॉट कर देगा। अब एक होता है और ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, जो कि आपके शिफ्ट और अबव एंटर जो बटन है उसको प्रेस करने से आएगा, ये है। और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक कंडीशन भी ठीक होगी तो मैं वो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, होप सो ये समझ आया होगा पॉइंट। ये जो ऑपरेटर है इसको और ऑपरेटर कहते हैं, और ये हमें कह रहा है कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर आपकी ठीक होती है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा, अदरवाइज ये प्रिंट करूंगा, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे पास एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर में, ये जो हम यूज कर रहे होते हैं अपनी कंडीशंस के अंदर, अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा, और सॉरी दो या दो से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बूल की भी समझ आ गई होगी कि उसकी वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं या उसको फंक्शन के बाहर क्यों लिखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं हमारे पास एक ऑपरेटर नॉट का, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऑपरेटर लगा देता हूँ नॉट इक्वल टू 18, इसका मतलब ये क्या होगा, अभी भी ये प्रिंट हमारे पास एज इज 18 करेगा, बिकॉज दोनों में से एक हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास, अगर हाँ हमने इसको अपडेट किया हुआ है यहाँ पर इस एडल्ट को, हम अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं नॉट को और इसके साथ नॉट लगा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है, हमारे पास आउटपुट एज इज 18 आया, बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन जो है वो ट्रू है इस एडल्ट वाली, देख रहे हैं, हमने उसके साथ से नॉट हटा दिया और हमने 18 के साथ लगा दिया है कि हमारे पास एज 18 नहीं है तो क्या होगा। हम ये नॉट या बूल फंक्शंस यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस आपको डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सी है, ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल को हम इस ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू कुछ भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, और फिर इसके अंदर में सेमी कॉलन, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ
बी, तो हमारे पास ये वर्क करेगा, बट हमारे पास ये प्रिंट हो गया नेम। लेकिन अगर अगर मैं इस वेरिएबल को बी को किसी और कम जगह पर मैं जाकर इसको यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस जगह पर जाकर इसको प्रिंट करता हूँ एल्स के अंदर, प्रिंट बी, तो ये क्या क्या एरर देगा कि हमारे पास ये इनिशियलाइज नहीं है, कह रहा है इनिशियलाइज नहीं है। तो अगर हमने इसको इसके अंदर भी यूज़ करना है तो हम इसको इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा अच्छे से कि हम इसको बाहर क्यों इनिशियलाइज करते हैं, ताकि हम इसको लोकली पूरे मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकें। तो जो काम हमने इसके साथ किया है लाइक इंटीजर्स के साथ, वो सेम कंडीशंस हम इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं और अभी हम स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं, अभी स्ट्रिंग के ऊपर हम ना कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं या कैसे हो सकती हैं, इसकी एक दफ़ा देख लो आप। इफ़ कंडीशन, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ पी और कहता हूँ कि अगर ये इक्वल है हमारे पास नेम की तो हमें प्रिंट कर दे, प्रिंट अलाउ, अदरवाइज एल्स के अंदर चला जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स में चला जाए और एल्स में प्रिंट कर दे हमारे पास चुना है। समझ आती है इस बात की। अब उसने चेक किया कि बी क्या इक्वल है नेम की, उसने चेक किया तो वो था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल कर देता हूँ तो ये आउटपुट में क्या आएगा, डिनाई। तो इस ऑपरेटर की अब यहाँ से भी समझ आ गई होगी कि ये क्या वर्क कर रहा है। अब ये नॉट का साइन है और अगर हम दोनों इक्वल साइन डालेंगे तो ये हमारे पास इक्वल का साइन है। अच्छा, कंडीशन और क्या क्या हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज करता हूँ, बी डॉट एंड्स विद लिख देते हैं, एंड्स विद कोई पैरामीटर लिखेंगे एंड्स विद में कि हमारे पास कौन सा हो जिस पे एंड हो तो ये ट्रू हो जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई, कि ये ई के साथ अगर एंड हो तो हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए। तो हमारे पास ई के साथ ये एंड हो रहा है, लाइक लेट्स हमारी स्ट्रिंग के एंड में ई है तो हमें ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, कंडीशन हमारी ट्रू है इस वजह से। अगर हम यहाँ पर एन लिखते हैं तो ये हमें डिनाई कर रहा है कि एन के साथ ये हमारा एंड नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप, हमारा एंड किसके साथ, ई के साथ हो रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई और अल्फाबेट लिख देते हैं तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये इसकी रॉन्ग होगी। अब ये एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है। और यहाँ पर हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक बी डॉट के साथ पहले भी आप देख चुके हैं, ये इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, लेंथ वगैरह ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। लिखते हैं स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ, तो हम स्टार्ट में भी कोई एक पैटर्न देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एन लिखता हूँ तो ये वो कंडीशन भी चेक करेगा कि क्या एन से स्टार्ट हो रहा है। अगर एन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास अलाउ कर देगा, अदरवाइज डिनाई कर देगा। तो इस तरह से कुछ आप कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उस तरह से समझ आती जाएगी। यहाँ तक सारी कहानी समझ आ गई है। अब जो ये कंडीशन लिखी हुई है इनको हम किसी और वे में भी लिख सकते हैं। वो किस वे में लिख सकते हैं, ऐसे लेट सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ और इसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ वैल्यू, और इसको मैं, ये जो वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाली हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली जी हमने इस तरह लिखी है, इसको हम दूसरे वे में लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे बी डॉट स्टार्ट विथ इसके अंदर हम लिख देते हैं एन, तो क्या हो वो कंडीशन अप्लाई हो जाए उसके ऊपर, वो चेक करे कि ये ट्रू है। अगर ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के आगे कंडीशन कौन सी लिखेंगे, अगर ट्रू है तो इसके अंदर वो प्रिंट कर दे नेम, अदरवाइज यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन, अदरवाइज यहाँ पर वो पुट कर दे नो। ये कंडीशन जो लिखी है हमने, इस लाइन का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो हमने ये कोड लिखा है, ये
ये सेम है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिख रहे हैं आप तो भी आपकी कंडीशन ठीक है, इस वे में लिख रहे हैं तो भी आपकी कंडीशन यही वाली फॉलो होगी। अब ये क्या लिखा है, एक बार मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग थी, और हमने उसके अंदर एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है ये स्टार्ट हो रही है एन से, तो क्वेश्चन मार्क एन से, तो हमारे पास ये कंडीशन हो, सॉरी ये आउटपुट आए। अगर ये ना हो, इससे स्टार्ट ना आ रही हो, तो ये आउटपुट आए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। किसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को जो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेम। देखो हमारी ये कंडीशन ट्रू है और हमारे पास नेम लिखा हुआ है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ ई, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई फर्स्ट वाली, तो जो कंडीशन या ये वाली है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली प्रिंट होके आ जाएगी, नो लिखा हुआ के। ठीक है, अब सो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर इसमें समझ नहीं आया तो इसको मजीद मुझे कमेंट में आप पूछ लेना कि इसको हम कैसे करेंगे।